यारों, स्क्रीन पर नजर आने वाली जिस मस्जिद को आप देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। आपको बताते चलें, ये मस्जिद बिहार के नवादा के फुलवरिया डैम में सामने आई है। दरअसल इस मस्जिद का इतना ज्यादा चर्चा में आने की वजह ये है कि ये मस्जिद पिछले 30 सालों से पानी में डूबी हुई थी, मगर इतने लंबे समय तक पानी में रहने के बावजूद इसे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। डैम में मौजूद इस मस्जिद के बारे में लोकल लोगों का कहना है कि ये मस्जिद 120 साल पुरानी है, लेकिन पिछले 30 सालों से मस्जिद पूरी तरह पानी में डूबी हुई थी। और लोकल के ही रहने वाले मोहम्मद शमशेर से पता चला है के फुलवरिया डैम को साल 1984 में बनवाया गया था। इससे पहले इस इलाके पर मुस्लिमों की एक बड़ी आबादी हुआ करती थी, मगर सरकार द्वारा इस जमीन को टेक ओवर करके डैम को बनवा दिया गया था। और उस वक्त इस इलाके में रहने वाले तमाम लोगों को बेघर करके हरदिया डैम के बगल के गांव में बसाया गया था, मगर इस मस्जिद को यूं ही छोड़ दिया गया, जिसके बाद आप इसकी हालत देख सकते हैं। बाय द वे, इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें।